अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। ये जी यूरो यूएसडी का चार्ट है मेरे सामने। इस वक्त 18.67 के आसपास यूरो यूएसडी चल रहा है। तो कल अगर आप देखें तो कल जो हमारी सपोर्ट थी वो 1780 की थी, यानी कि 1780 की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिप आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप क्लोजिंग लेवल पर देखें तो आपको 1780 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। तो वहीं से तकरीबन 1780 के आसपास से ही यूरो कल बाय हुआ है। तो कल 1860 की हमारी रेजिस्टेंस थी, जिसके साथ अभी यूरो आपको बैटल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं यूरो में। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी यूरो में जी, वो रहेगी 1895 की। अगर 1895 ब्रेक करेगा तो 1915 और 1930 तक यूरो जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज यूरो में, वो रहेगी जी 1820 की। अगर 1820 ब्रेक करता है यूरो तो दोबारा से यूरो फिर 1800, 1780, 1770 और 1750 तक जा सकता है। फिलहाल यूरो यूएसडी का ट्रेंड आपके सामने ही पॉजिटिव ही बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी जीबीपी पे। ये जी जीबीपी का चार्ट है मेरे सामने। इस वक्त जीबीपी 39-47 के आसपास चल रहा है। तो इसकी आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी। इसकी रेजिस्टेंस बहुत करीब है जी, अभी जो मैं आपको देने लगा हूँ वो है जी 39.55 की, यानी कि कुछ ही पिप्स नीचे है। तो इस रेजिस्टेंस का आपने ख्याल करना है जी। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है जी, तो वो जाकर फिर 140 जो साइकोलॉजी लेवल है और 140.10 को टारगेट करेगा, ठीक है जी। तो ये मैं बताता जाता हूँ ताकि लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पता होने चाहिए, यानी कि आज की जो रेजिस्टेंस है अभी रेजिस्टेंस के पास ही है। जैसे ही 39.55 को ब्रेक करेगा तो फिर ये जाकर 140 और 140.10 का टारगेट फिर आप रख सकते हैं, उसके ऊपर आप बाय करेंगे। नीचे हमारी जो सपोर्ट रहेगी आज वो रहेगी जी 1.3840 की। अगर 1.3840 ब्रेक करती है जीबीपी तो फिर दोबारा से 1.3370 तक जा सकती है। ट्रेंड फिलहाल आपके सामने पॉजिटिव ही है जीबीपी का। अब हम चलते हैं जी सिल्वर पर। तो ये है जी सिल्वर का चार्ट मेरे सामने। गोल्ड की तरह इसमें भी आपको एक ज़बरदस्त अपसाइड नज़र आ रहा होगा जी। तो दोबारा से ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है। अगर आपको याद हो तो एक रेजिस्टेंस हम जब इस लेवल पर था तो वही रेजिस्टेंस हम आपको देते थे, और वही रेजिस्टेंस आज भी हमारी है, वो है जी 2550 की। अगर 2550 ब्रेक करेगा तो जाकर ये 2585 और $26 को टारगेट करेगी। तो ओवरऑल जब तक 26 के नीचे रहेगी सिल्वर तब तक जो है वो बीरिश बेस इंटैक्ट रहेगी। अगर 26 ब्रेक कर लेती है तो दोबारा से फिर एक अच्छा, यानी कि अच्छी बाइंग आ सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो भी सेम उसी लेवल वाली है जी। सॉरी, सपोर्ट की हमारी रहेगी आज $25 की। अगर दोबारा से $25 ब्रेक करता है सिल्वर तो 2470, 2450, 2430 और 2440 तक जा सकती है। ट्रेंड फिलहाल सिल्वर का पॉजिटिव ही है। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल पर। तो ये है जी क्रूड ऑयल का चार्ट मेरे सामने। कल आपके सामने हमने कहा था कि 7240 है। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे उसने 7240 ब्रेक किया है, यहाँ पर इस कैंडल में ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है जी, उसके बाद अगर आपको देखें तो फिर आपको एक अपसाइड ही नज़र आ रहा है। ट्रेंड क्रूड ऑयल का पॉजिटिव ही है। तो आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं जी। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $73.70 की। अगर 73.70 को ब्रेक करता है तो दोबारा से 74, 74.50, 75 और इवन 76.40 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी कल वाली, कल से थोड़ा सा आप नीचे कह सकते हैं, वो है रहेगी जी 72.20 की। अगर 72.20 ब्रेक करता है तो दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, फिर $71, 70, 70, 70.30 और 70 तक भी जा सकता है। फिलहाल जो ट्रेंड है वो क्रूड ऑयल का पॉजिटिव ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।